यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड को अर्थ सहित पढ़ना आरंभ करते हैं। और उस अर्थ सहित श्रृंखला में सबसे पहले हम जो आरंभ में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं उनका अर्थ जानते हैं, उनका भाव ग्रहण करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। सुंदरकांड का आरंभ होता है भगवान श्री राम की प्रार्थना के इस श्लोक से। अर्थ कैसे है? अब संस्कृत बोलना अलग चीज है, सुनना अलग चीज है, अर्थ जान करके बोलने का जो आनंद है वो आज आप पाएंगे। मैं पहले इसको तोड़ तोड़ करके आपके साथ पढ़, हमारे साथ इसको ऐसे ही बोलने का प्रयास करिएगा। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निरवाण शांति प्रदम शांतम शाश्वतम। ये संधि हो गई है, जब संस्कृत बोलते हैं तो सब मिक्स होके लिख जाता है। तो शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। तो इन सब शब्दों का अर्थ जानने से पहले या पूरे श्लोक का भावार्थ समझने के लिए आइए, मां साहब तो मानेंगे नहीं, एक एक शब्द का अर्थ समझा देते हैं आपको। शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा हमेशा। देखिए आप धर्म के लिए इसे पढ़ेंगे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन जो छात्रगण जो बालक जो विद्यार्थी इसे हिंदी भाषा ज्ञान के लिए पढ़ेंगे और भगवान की कृपा के लिए पढ़ेंगे उनको दोनों की प्राप्ति होगी। जो साधारण जन हिंदी से दूर हैं, खाली भाई पुराने जमाने तुलसी बाबा लिख के चले गए और उस समय के लोग सब मतलब जानते थे, अब हम लोग जरा वो मिक्स वाली हिंदी बोलने लगे हैं तो इसलिए अर्थ नहीं प्रकट हो पाता। तो सब जनों के लिए यही है कि आप हिंदी का भी ज्ञान लेंगे, हिंदी के साथ साथ उस भाव को भी समझ पाएंगे जो सुंदरकांड पढ़ने में मिलता है। तो शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे। अप्रमेय, तो आपको याद होगा हाई स्कूल में जब आप थे तो आपने एक प्रमेय शब्द पढ़ा था। प्रमेय माने क्या होता है? वही लिखा रहता था कि जी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद विभाजित करता है, ये कथन लिखा रहता था और उसके बाद आप उसमें प्रूफ दे दे करके उसको सिद्ध कर देते थे। तो याद रखिए, जो बात प्रमाण दे करके सिद्ध की जा सके उसको बोलते हैं प्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके से सिद्ध हो सके उसको बोलते हैं प्रमेय। अब वो कथन जो होता था हाई स्कूल वाला उसको प्रमाण देकर सिद्ध कर सकते थे इसीलिए उसको प्रमेय बोलते थे। तो अप्रमेय क्या होगा? आ माने नहीं, माने अप्रमेय क्या हो जाएगा? जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ना किया जा सके। भगवान के लिए आया है, भगवान को आप प्रमाण दे करके सिद्ध नहीं कर सकते, वो भावना से महसूस होते हैं। अघ माने क्या होता है? बड़ा सुंदर शब्द है अघ। अघ माने होता है पाप। ये पूरी सुंदरकांड और पूरी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ते समय अघ आपको बहुत बार मिलेगा। तो अघ माने पाप, तो अन अघ माने जो जिसमें पाप न हो, माने निष्पाप अर्थात पाप रहित। अघ माने पाप और निष्पाप माने पाप रहित। निर्वाण माने मोक्ष होता है, तो निर्वाण प्रदम माने मोक्ष देने वाले। अच्छा देखिए, फणीन्द्र शब्द आया है। फणीन्द्र मतलब फणी माने होता है सांप और इंद्र माने होता है फणी माने सांप। फणी का मतलब होता है फण, माने होता है ये वाला फण, और फणी का मतलब जिसके पास फण है यानी जो फण है, और धन इंद्र लगा दीजिए तो यानी कि ये शब्द हो गया सांप और इंद्र माने राजा। तो सांपों के राजा कौन हुए? जी शेषनाग जी हुए।
सांपों का राजा कौन हुए? शेषनाग। तो फणीन्द्र शेषनाग। विभु का मतलब होता है जो संपूर्ण स्थान पर व्यापक हो, फैले हो, विस्तृत हो, बड़े हो, उनको विभु कहा जाता है। आकर माने होता है, हिंदी में आकर माने होता है खान, किसी भी चीज का सोर्स। अगर कोई चीज है जैसे सोने की खान होती है वैसी वाली खान, तो करुणाकरम माने करुणा की खान, करुणा की खान। ठीक, शब्दार्थ याद कर लीजिए। शाश्वत जो हमेशा रहे, आप देखिए अभी एकदम समझ में आ जाएगा, शाश्वत जो हमेशा रहे। अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप, निर्वाण माने मोक्ष, फणीन्द्र माने शेषनाग जी, विभु माने व्यापक है जो सर्वत्र, और करुणाकर माने करुणा की खान। ठीक, तो आप देखिए शांतम जो शांत है, शाश्वत जो हमेशा मतलब सनातन है सदैव से है, अप्रमेय जिनको प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनघ यानी जो निष्पाप है, जो पाप रहित है, निर्वाण जो, और शांति प्रदम यानी जो मोक्ष और शांति देने वाले, कौन? रघुवर। भगवान श्री राम की प्रार्थना है, तो शांत हैं, शाश्वत हैं, अप्रमेय हैं, अनघ हैं, निर्वाण और शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु, तो ब्रह्मा जी द्वारा, शंभु यानी भगवान शंकर द्वारा, और फणीन्द्र यानी शेषनाग द्वारा, सेव्य, सेव्य माने जिनकी सेवा की जाती, जो ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते, भगवान शंकर जिनका ध्यान करते, ऐसे भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम और शेषनाग जी जिनका ध्यान करते, उनके द्वारा सेवित अनिशम निरंतर सेवित, वेदांत वेद्यम जो वेदांत के द्वारा जाने जाने योग्य है। विद शब्द से बनता है जानना, विद मतलब जानना, विद्वान मतलब जो जानकारी रखता हो, तो वेद्यम माने जानने योग्य, तो वेदांत वेद्यम जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, विभुम माने जो व्यापक है, रामाख्यम भगवान श्री राम, जगदीश्वरम जो जगत के ईश्वर है, सुरगुरुम गुरु का मतलब गुरु भी होता है, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, तो सुरगुरुम देवताओं में सबसे बड़े, माया मनुष्यम हरिम जो माया के कारण मनुष्य का रूप धारण किए, मतलब माया में उन्होंने खेल खेल में लीला करने के लिए माया से मनुष्य का रूप धारण किया। वो भगवान से राम तो अनंत है, अब उन्होंने माया करी है और वो मनुष्य का रूप धारण किया, तो माया मनुष्यम हरिम वंदे हम वंदना करता हूँ, रघुवरम करुणाकरम करुणा की खान, रघुवरम वर माने होता है श्रेष्ठ, रघुवर माने रघुकुल में श्रेष्ठ, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, जब आप बोलते हैं गुरुवर माने गुरुओं में श्रेष्ठ, किसी भी शब्द के आगे वर लगा दे तो वो जो संबोधन में बोला जाता है तो श्रेष्ठ का हो जाता है। और भूपाल माने क्या होता है? भूपाल माने होता है राजा, भू माने धरती, पाल माने पालन करने वाला राजा, और चूड़ामणि माने जो मस्तक पर मणि धारण की जाती, मतलब सबसे श्रेष्ठ माने सब में श्रेष्ठ, तो अर्थात राजाओं में चूड़ामणि के समान यानी राजाओं में श्रेष्ठ है भगवान श्री राम। अब पूरा अर्थ देखिए, वे भगवान श्री राम जो समस्त राजाओं में चूड़ामणि के समान है, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान श्री राम जो शांत हैं, शाश्वत हैं, जो अप्रमेय हैं, जिनको प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो पाप रहित हैं, जो निर्वाण और शांति देने वाले हैं, जो ब्रह्मा और भगवान श्री भगवान शिव और फणीन्द्र यानी शेषनाग के द्वारा सदैव सेवित हैं, जो वेदांत के और के द्वारा जाने जाने योग्य हैं, जो विभु हैं, व्यापक हैं, ऐसे भगवान श्री राम जो जगत के ईश्वर हैं, जो समस्त देवताओं में सबसे बड़े हैं, जो माया के कारण मनुष्य का रूप धारण करे हैं, ऐसे हरि भगवान श्री राम की वंदे हम मैं वंदना करता हूँ, जो करुणा की खान है और समस्त राजाओं में शिरोमणि। अब जब अपने आप जब आप ये पढ़िएगा आगे से, तो ऐसे आंखों के सामने भगवान श्री राम का सुंदर सा चित्र बनाइएगा और कहिएगा, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। आइए अगले श्लोकार्थ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। एक एक शब्द पढ़े। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि यानी काम आदि दोष रहितम काम आदि दोष रहितम कुरु मानस। आइए पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। रघुवर हमने आपको बताया, अच्छा, रघुवर
भगवान वो पीछे अर्थ में आया था, माने रघुकुल में श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ हो जाता है, भूपाल का मतलब राजा हो जाता है, धरती का पालन पीछे वाले श्लोक में आया था, स्प्रिया का मतलब होती है इच्छा, अखिल के माने होता है संपूर्ण, और पुंगव माने भी श्रेष्ठ होता है। जब आप कहते हैं नर पुंगव माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, जब आप कहते हैं रघु पुंगव माने रघुकुल में श्रेष्ठ, जब आप कहते हैं गुरु पुंगव माने गुरुओं में श्रेष्ठ, जब आप बोलते हैं कवि पुंगव माने कवियों में श्रेष्ठ। तो आइए, नान्या स्प्रिहा, स्प्रिहा माने इच्छा। हे श्री रामचंद्र जी, हमारे हृदय में हृदयेश मदीये माने हमारे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूं, और आपसे क्या सत्य कहूं। भवान माने आप, अखिल माने संपूर्ण विश्व की अंतरात्मा, यानी आप तो इस संपूर्ण विश्व की आत्मा है, संपूर्ण विश्व की अंतरात्मा है, आपसे छुपा क्या है। फिर भी मैं कहता हूं मेरे हृदय में कोई और दूसरी इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है इसके अलावा, मतलब दूसरी नहीं है तो कौन सी इच्छा है। भक्तिम प्रयक्ष, बस अपनी भक्ति दे दीजिए। हे रघुपुंगव, हे रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम, हमको बस अपनी भक्ति दे दीजिए। कैसी भक्ति दे दीजिए, निर्भरा भक्ति दे दीजिए, माने पूर्णता आप पर निर्भर हो जाऊं। तो निर्भरा भक्ति माने पूर्ण भक्ति, माने अपनी पूर्ण भक्ति दे दीजिए, और कोई दूसरी भक्ति हमारे हृदय में न बचे, बस आपकी ही आपकी भक्ति बचे, और वो हमको क्या करेगी, काम आदि दोष से दूर करेगी और हमारे मानस को शुद्ध करेगी। भगवान श्री राम की जय, सियावल रामचंद्र की जय। तो यह श्लोक है, मतलब भावार्थ क्या है, हे भगवान हमारे हृदय में कोई और इच्छा नहीं है, आप तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हृदय का भाव जानते हैं, आप सबके हृदयों का भाव जानते हैं, फिर भी आपसे बस इतना मांगता हूं कि अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मन में कोई दूसरा विचार ना रहे, हमारे काम आदि दोष सब दूर हो जाए, इन सबको दूर कर दीजिए और अपनी संपूर्ण भक्ति दीजिए। अब ये दो भगवान श्री राम की प्रार्थना का श्लोक पढ़ने के बाद तीसरा जो श्लोक सुंदरकांड में आरंभ होता है, ये भगवान हनुमान के लिए प्रार्थना है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थ एक एक शब्द पढ़े, अतुलित, कौन कहता है संस्कृत कठिन होती है, एक बार ध्यान से देखिए तो अर्थ दिखता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए हम पहले अर्थ बताते तब इसको भाव समझेंगे। अतुलित, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, किसी से कोई तुलना ही ना हो, न की जा सके, भगवान हनुमान के बल की किससे तुलना करिएगा। धाम माने घर होता है, तो अतुलित बल धाम माने अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे बल के धाम है, आप घर हैं भगवान हनुमान जी। हेम माने क्या होता है, सोना स्वर्ण गोल्ड, हेम शैलाभ, और शैल माने क्या होता है, पर्वत, और आभा माने क्या होती है, चमक। पहली लाइन का अर्थ दिखा, अतुलित बल धामम माने अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के देह के समान जिनकी चमक। हेम शैलाभ देहम माने सोने के पर्वत जैसे चमकता हो, ऐसी देह जिनकी चमकती है। और धनुज माने क्या होता है, राक्षस। कृषाणु माने क्या होता है, आग। तो दनुज वन कृषाणु माने, मान लो कि राक्षस जो है वो जंगल है, वन माने जंगल, दनुज वन माने राक्षस रूपी जंगल में आग के समान लग जाए तो जंगल खत्म, ऐसे राक्षस खत्म। अग्रगण्य जिनकी गणना सबसे पहले की जाती है, माने सबसे आगे गिने जाने वालों में जिनकी गणना सबसे पहले की जाती है, गणना सबसे पहले की जाए। ज्ञानीनाम अग्रगण्यम माने ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाने वाले, जिनकी गणना सबसे पहले की। सकल माने क्या होता है, सकल माने होता है संपूर्ण, यह वाली सकल नहीं होता, सकल माने संपूर्ण। निधि माने क्या होता है, खजाना। हाँ जी, बिटिया का नाम निधि हो के माने खजाना है। अधीश माने होता है राजा या श्रेष्ठ, जिलाधीश माने जिले का राजा, जिले का श्रेष्ठ, तो जहां अधीश आएगा वहां श्रेष्ठ।
और वात माने हवा यानी पवन, और जात माने जन्म लेने वाले अर्थात पवन से जन्म लेने वाले पवन पुत्र हनुमान जी। वात जात किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। अब आवर्त देखें, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम, हेम शैलाभ देहम, सोने के पर्वत के समान चमक वाले, शैल माने पर्वत, हेम माने सोना, जैसे स्वर्ण पर्वत कोई चमके जब सूरज की किरण होती है, ऐसे हनुमान जी जब खड़े होते हैं अपने संपूर्ण रूप और वैभव के साथ, तो ऐसे ही सोने जैसी चमक उनके शरीर पर है। तो हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृषानुम, कृषानु माने आग, अब आपको मालूम है धनुज माने राक्षस, तो राक्षस रूपी जंगल में आग के समान, और ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे, सकल गुण निधानम, सकल माने संपूर्ण, गुण माने गुणों के, निधान माने खजाने, और वानरा रामधीसम यानी वानरों के अधीश, वानरों में सबसे श्रेष्ठ, वानरों के राजा, वानरों के प्रमुख, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त, वात जातम पवन पुत्र नमामि, आपको नमस्कार कर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अर्थ समझ में आया? अतुलित बल धामम हेम शैला, आंखों के सामने भगवान हनुमान का चित्र याद करिए, एक तरफ ध्वजा विराजे, एक तरफ गदा लिए और पूरा शरीर चमक रहा है, ऐसा चित्र आंखों के सामने बनाए, मैं पढ़ता हूँ आपको, देखिए आंखों के सामने चित्र दिखेगा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हम हैं अमरनाथ सरहिंदी वाले, हमारे मन में भावना थी, बड़ी इच्छा थी कि हम सुंदरकांड का अर्थ सहित आपके सम्मुख पाठ करें, और इसके साथ साथ जो छात्रगण हैं, पढ़ने वाले बालक हैं, उनकी हिंदी भी सुधरे। आज जमाने में हिंदी बिगड़ रही सबकी, तो इस बहाने जिसने श्री रामचरितमानस पढ़ लिया वो हिंदी का दुनिया की डिक्शनरी उसके सामने फेल है, जिसने हिंदी को पढ़ लिया, रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ लिया, तो यह अर्थ सहित आपके सम्मुख इस श्रृंखला में। आज यह दूसरी कक्षा थी, पहली कक्षा हमने किष्किंधा कांड का अंतिम सर्ग पढ़ा है, यह आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब पर यह हमारा चैनल है, इसको ढूंढ करके सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जितनी भी कक्षाएं मिलती रहें उनको लाभ मिले, और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाकी क्लासेस पर अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो बाकी कक्षाएं भी बच्चों को वहां मिलती रहती हैं। आप सबके लिए और छात्रों के लिए यह एक श्रृंखला, भगवान कृपा रहे यह निरंतर चलती रहे, बस यही प्रार्थना है। आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा, ताकि दुनिया दुनिया तक ये बात पहुंचे कि हाँ, हम जो पढ़ते हैं खाली पाठ, उस पाठ का भावार्थ भी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।